गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि हम आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 13 और जिसका नाम है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग। तो देखिए, इसका नाम है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। ये 4 नंबर का चैप्टर है आपके लिए। इसमें इसके सिर्फ 4 नंबर ही हैं। आसान चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है और आराम से समझ में आ जाता है, कोई ऐसी परेशानी इसमें नहीं आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए क्या सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्य फलन। हाँ जी, कार्य फलन क्या होता है? देखिए, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन परमाणु से पृथक हो जाए, या किसी भी परमाणु से, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी कार्य फलन। किसी भी धातु से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी उसको ऊर्जा देंगे वो आपके कहलाएगी कार्य फलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। कई बार एग्जाम इस चैप्टर में से, देखिए आपको पता है 4 नंबर का है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो उसमें से आता नहीं है। तो इसमें से छोटे छोटे एक एक नंबर के, दो दो नंबर की डेरिवेशंस, डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह न्यूनतम ऊर्जा मतलब किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्य फलन। कार्य फलन को या तो हम फाई नॉट से लिखते हैं या फिर हम इसको पहले डब्ल्यू नॉट से भी लिखते थे, पर अब तो फाई नॉट से ही लिखते हैं। और इसका मात्रक जूल होता है ऐसा ही पद्धति में। वैसे आप जानते हैं जूल एक बड़ा मात्रक है, इसका एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। इसका एक अन्य मात्रक क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, वैसे आप जानते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और कार्य फलन का जो मान है सबसे कम वो सीजियम के लिए होता है, जो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सबसे ज्यादा प्लेटिनम के लिए होता है, लगभग 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब यह है कि जिस धातु के लिए कार्य फलन का मान, मतलब अगर कार्य फलन का मान ज्यादा है तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और अगर कार्य फलन का मान कम है तो कम ऊर्जा को ग्रहण करके ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। तो कार्य फलन का मान अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन फटाफट धातु से बाहर आएगा। तो कौन बढ़िया होगा, सीजियम के प्लेटिनम? सीजियम, एस ब्लॉक तत्व है सीजियम। तो इसमें अगर आप कम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसी धातुओं को हम लोग प्रकाश संवेदी धातु भी कहते हैं, वो बताएंगे हम आपको आगे। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। तो देखिए पहले, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, मतलब ऐसी कौन कौन सी प्रोसीजर है जिससे आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हो। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि कहलाती है। 4 तरीके से आप ये काम कर सकते हो। सबसे पहला है
तापायनी क्वेश्चन है, यानी आप धातु को ताप दीजिए, धातु को ताप देने पर ताप दे और ताप देकर धातु से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले आप पृथक कर ले, गर्म करके धातु से क्या कर ले आप इलेक्ट्रॉनों को पृथक कर ले, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा विधि निकलेगी, इस विधि को अपन बोलेंगे तापायनी क्वेश्चन। ताप देने पर अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले धातु से तो वो कहलाता है तापायनी उत्सर्जन। दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10^8 वोल्ट पर मीटर लगाने पर भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को पृथक किया जा सकता है। बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10^8 वोल्ट पर मीटर लगाने पर भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है पृथक किया जाता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। जैसे मान लीजिए आपकी दो प्लेट है, इसके बीच में आपने कोई धातु का टुकड़ा रख दिया और विद्युत क्षेत्र लगाया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये प्लस क्या करेगा इसमें से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा नहीं बहुत हैवी बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाकर अगर आप धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को पृथक कर लें तो वो आपका कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा देखिए आप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, अगर किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यानी धातु की सतह से लाइट डालकर भी आप उससे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, तो ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हमको यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने ऊपर वाले, ये पढ़ना है। एक और है चौथे नंबर की और वो है द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है, अगर किसी धातु पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबार कराई जाए, यदि किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराई जाए तो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो हैं धातु में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे पृथक कर देंगे अलग कर देंगे, तो इस प्रकार के उत्सर्जन को अपन क्या बोलेंगे द्वितीयक उत्सर्जन बोलेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो ये कहलाएगा आपका द्वितीयक उत्सर्जन। तो आई थिंक आपकी ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर की खोज जो थी वो सर्वप्रथम हर्ट्ज ने की थी, हर्ट्ज वही जिन्होंने आवृत्ति का जो आवृत्ति का मात्रक होता है ना हेनरिच हर्ट्ज, तो इसकी खोज सबसे पहले हर्ट्ज ने की थी। तो देखिए हर्ट्ज का प्रयोग, हर्ट्ज ने तो बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी, किसकी खोज की थी विद्युत चुंबकीय तरंगों की, और हर्ट्ज ने जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी वो भी ऐसे वैसे नहीं, स्पार्किंग पोटेंशियल पर कैथोड और एनोड के बीच में दो धातु के इसने इलेक्ट्रोड लिए थे, एक कैथोड था एक एनोड था, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और बहुत हाई पोटेंशियल पर इनके बीच में विद्युत चुंबकीय तरंगें डाली थी। लेकिन जब हर्ट्ज ने देखा कि अगर हम कैथोड पर परावैंगी प्रकाश डालते हैं, कौन सा प्रकाश डालते हैं यूवी रेज परावैंगी प्रकाश डालते हैं, तो स्फुलिंग विभवांतर में वृद्धि होगी। जैसे पहले आपने यहां से देखा यहां से विद्युत चुंबकीय तरंग निकली थी वो 1000 वोल्ट था, कितना था 1000 वोल्ट, लेकिन अगर आपने लाइट डाली तो 1000 वोल्ट से 1200 वोल्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, क्या अंदाजा लगाए इससे, इससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश डालने पर नए इलेक्ट्रॉन निकले जैसे विभवांतर में वृद्धि हुई धारा में वृद्धि हुई। तो हर्ट्ज ने कहा कि भाई किसी भी धातु की सतह पर अगर आप लाइट डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज का श्रेय हर्ट्ज को जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रयोग हुआ था, उन्होंने स्फुलिंग, वैसे हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी वो भी स्फुलिंग विभवांतर पर, लेकिन जब आपने कैथोड को परावैंगी प्रकाश से
परावैंगनी प्रकाश डाला तो आपने देखा कि स्फुलिंग विभवांतर का मान और अधिक बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नए इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन ही है। इस प्रभाव को उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। ये हर्ट्ज का प्रयोग था। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, वो भी बहुत अच्छा था। देखिए देखो, ये है आपका हॉलवॉक्स व लेनार्ड का प्रयोग। हॉलवॉक्स और लेनार्ड ने क्या किया था, आपके पास एक ट्यूब थी इस तरह से, उन्होंने क्या किया था, एक कांच की नली ली थी, निर्वात नली, जिसमें दो जिंक के इलेक्ट्रोड लगाए थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के रेड सिरे से जोड़ा था, उसको उसने नाम दिया कैथोड। एक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा था, उसको नाम दिया एनोड। और प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए यहां लगा दिया था एक माइक्रोमीटर। ये एक निर्वात की नली है कांच की, निर्वात नली। जैसे ही इस पर उसने प्रकाश डाला, देखते हैं कि माइक्रोमीटर में धारा रहती है। हॉलवॉक्स और लेनार्ड के प्रयोग में कांच की एक निर्वात नली होती है, जिसमें दो धातु के, जिंक धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के रेड सिरे से जोड़ दिया जाता है, जिसे बैटरी के रेड सिरे से जोड़ते हैं उसे कैथोड, जिसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं उसे एनोड। प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए माइक्रोमीटर को सीरीज में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। जैसे ही कैथोड पर प्रकाश एक उपयुक्त आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो हम देखते हैं माइक्रोमीटर में धारा बहती है। तो शुरू में तो ये नेगेटिव चार्ज होती है, जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां जाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, और अंततः ये कैसी हो जाती है, धनावेश हो जाती है। भाई अभी इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा उदासीन, फिर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कैसा आवेश आ जाएगा, धन का आवेश आ जाएगा। यानी आप देखिए, बिना किसी वायर कनेक्शन के यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट, एक चीज और निकलती है, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति क्या होती है, सुन लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आप सोचिए कि साहब आपको हर बार प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिले, नहीं, एक निश्चित आवृत्ति में देखने मिलेगा। वह न्यूनतम आवृत्ति, जो है वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है, क्या कहलाती है, वो दहली आवृत्ति। यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो घटना है वो सभी आवृत्तियों पे नहीं होती है, इनके लिए आवृत्तियां फिक्स है, और जो वो आवृत्ति है उसका नाम क्या है, दहली आवृत्ति, उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग न्यू नॉट से लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कार्य फलन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, दहली आवृत्ति की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन की चार विधियां उनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। अब यहां से हम एक नई डेफिनेशन देने वाले हैं, और वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसको ढंग से देखो, आप जब किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति या दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, जब किसी धातु की सतह पर दहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है ना, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को अपन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है,
ये प्रकाश आपतित होता है, धातु की सतह पर गिरता है और फिर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? कार्य फलन, उत्सर्जन की विधियां, तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन, और ये फिर छोटे छोटे से प्रयोग जिनमें से एक महत्वपूर्ण परिभाषा दहली आपूर्ति और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो भी कुछ आज पढ़ाया वो सब थ्योरेटिकल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आज ही ग्रुप में पोस्ट करूंगा, ठीक है? तो इसको देखते रहिए, वीडियो को दो तीन बार देखिए, सेवरल टाइम देखिए, तब जाके आपको और अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।